मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय का छठवां दीक्षांत समारोह सकुशल संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची कुलाधिपति एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान राज्यपाल कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने 1174 बच्चों को डिग्री दिया, जिसमें 831 छात्र एवं 343 छात्राएं हैं तथा इसमें बीटेक के 782, एमटेक के 199, एमएससी भौतिक गणित के 40 छात्र, एमसीए के 60, एमबीए के 66, पीएचडी के 26 छात्र शामिल हैं तथा 35 छात्रों को स्वर्ण पदक कुलाधिपति के द्वारा दिया गया, जिसमें 16 कुलपति स्वर्ण पदक, 18 प्रयोजित स्वर्ण पदक है। इस अवसर पर कुलाधिपति राज्यपाल द्वारा उपाधि पंजिका डिग्री रजिस्टर पर हस्ताक्षर किया तथा उसके साथ ही कुलाधिपति ने बटन दबाकर सभी छात्रों की उपाधि डिग्री डिजिटल लॉकर पर अपलोड किया। इस अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए कुलाधिपति राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि तकनीकी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति से विश्व के साथ साथ भारतीय समाज में परिवर्तन आया है तथा कंप्यूटर एवं संचार क्रांति ने भारत के सभी क्षेत्रों में न केवल प्रवेश किया बल्कि बड़े स्तर पर सहभागी बना है और नैनो टेक्नोलॉजी सर्वव्यापी बन गया है तथा जीवन की गुणवत्ता एवं स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से सुधार हो रहा है। अब हम ज्ञान के युग में हैं और इस तरह के विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका है तथा शिक्षा की आवश्यकता हमें ढूंढना है। उन्होंने कहा, जलवायु परिवर्तन रोकना या आदि इसी प्रकार स्वास्थ्य, गरीबी और भूख जैसी पारंपरिक समस्याओं का हल करने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की एक महत्वपूर्ण भूमिका है तथा सबसे बड़ी बात यह है कि तकनीकी हमारी कई बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकती है। उन्होंने कहा, शिक्षा के दम पर हजारों युवक अपना स्टार्टअप स्टार्ट करके अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इसी वजह से भारत सरकार ने तकनीक में बदलाव लाने का प्रयास किया और युवाओं को आगे आने के लिए बीच में कई नई योजनाएं बनाई हैं, इसका लाभ लेना चाहिए तथा देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोरखपुर शहर को सिटी ऑफ नॉलेज बनाने का लक्ष्य रखा है, इसलिए राष्ट्रपति द्वारा ही महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया था तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 दिसंबर को फर्टिलाइजर प्लांट का शुभारंभ कर इसको और आगे बढ़ाने का कार्य किया, जिससे रोजगार के नए अवसर विकसित हो रहे हैं जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। इस अवसर पर मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे, प्रशासकीय परिषद आईआईटी धनबाद एवं मंडी के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रेमरत, गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह, महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी सहित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की छात्र और छात्राएं मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के स्वर्ण पदक पाने वाले छात्रों ने कहा, yeah.
माननीय कुलपति जी से अनुरोध है कि कृपया विश्वविद्यालय गोरखपुर के सप्तम दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करती हूँ। कुलाधिपति महोदय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश, विश्वविद्यालय के सप्तम दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि, विश्वविद्यालय की सभा के सदस्यगण, प्रबंध बोर्ड के सदस्यगण, विद्या परिषद के सदस्यगण, परीक्षा समिति के सदस्यगण, वित्त समिति के सदस्यगण, पाठ्यक्रम समिति के सदस्यगण, सम्मानित अतिथिगण, अधिष्ठातागण, विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं, अधिकारी एवं कर्मचारी, उपाधि एवं पदक प्राप्तकर्ता समस्त विद्यार्थी एवं उनके अभिभावकगण, पुरातन छात्रगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि, हमारे विद्यालयों से आए हुए हमारे छोटे छात्र, हमारे टीवी के पीड़ित, हमारे पेशेंट हमारे साथ में रहते हैं, देवियों एवं सज्जन, विश्वविद्यालय के छठवें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रही माननीय कुलाधिपति परम आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का मैं विश्वविद्यालय परिवार के समस्त सदस्यों की ओर से एवं स्वयं अपनी ओर से विनम्रतापूर्वक स्वागत, नमन एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ कि आपने पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर स्थापित तकनीकी शिक्षा की इस तपस्थली के छठवें दीक्षांत समारोह में पधारकर हम सभी को गौरवान्वित किया। महोदया, आपकी शोभन उपस्थिति इस विद्या परिषद के छात्र छात्राओं, शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए अत्यंत प्रेरणास्पद है। मुझे विश्वास है कि आपके अभिभावक तत्व में यह विश्वविद्यालय विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन के प्रतिष्ठित केंद्र के रूप में विकसित होगा और अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त हेतु निरंतर अग्रसर रहेगा। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय से प्रमाद मत करो, माता को देवता मानो, पिता को देवता मानो, आचार्य को देवता मानो, अतिथि को देवता मानो। जो हमारे अच्छे आचरण है वे ही तुम्हारे द्वारा ग्रहणीय है, अन्य नहीं। यही आदेश है, यही उपदेश है, यही अनुशासन है, तुम्हारा पंथ मंगलमय हो। प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर के सप्तम दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को शपथ ग्रहण कराने का अनुरोध करता हूँ। प्राण स्वयं वही पंक्ति बोलेंगे। मैं पदार कर्तव्यनिष्ठ इंजीनियर, वैज्ञानिक तथा प्रबंधक के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वाहन करना मेरा प्रयास होगा। व्यक्तिगत गरिमा तत्व करूंगा।
अपने विज्ञान प्रबंधन तथा तकनीक के तथा विश्वविद्यालय की ज्ञाति वर्धन में उपयोग करूंगा। धन्यवाद महोदय। माननीय कुलपति जी से निवेदन है कि वे पीएचडी उपाधि प्रदान करने कुलपति अपने पद के निहित सक्रिय से आपको इस विश्वविद्यालय की पीएचडी उपाधि प्रदान करती हूँ। आपसे अपेक्षा है कि आप मन वचन एवं कर्म से जीवन पर्यंत अपने को इस उपाधि के अनुरूप सिद्ध करते रहें। धन्यवाद सुत किया जाए। अधिष्ठाता परास्नातक और शोध एवं विकास से अनुरोध है कि कृपया पीएचडी उपाधि के प्रमाण अंशु कुमार द्विवेदी जिन्होंने प्रोफेसर राकेश कुमार जी के शोध निर्देशन में अपना कुमार जी के शोध निर्देशन में अपना शोध कार्य पूर्ण किया है, जिन्होंने अपना शोध कार्य पूर्ण किया है, इसके सिंह जी के शोध निर्देशन अपना शोध कार्य पूर्ण किया है, प्रांजल सक्सेना जी के शोध निर्देशन अपना शोध कार्य पूर्ण किया है, संतोष कुमार शोध कार्य पूर्ण किया है, शगुन पाल जिन्होंने प्रोफेसर ब्रजेश कुमार जिन्होंने डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी के शोध निर्देशन में अपना शोध उन्होंने डॉक्टर आर के चौहान के शोध निर्देशन में अपना शोध कार्य शोध छात्र हैं पवन कुमार यादव जिन्होंने प्रोफेसर एस सी जायसवाल जी के शोध निर्देशन में अपना शोध कार्य पूर्ण किया है, जीव सिंह जी के शोध निर्देशन में अपना शोध कार्य पूर्ण किया है, अपना शोध कार्य पूर्ण किया है निर्देशन में अपना शोध कार्य पूर्ण किया है, पीके द्विवेदी जी के शोध निर्देशन में अपना शोध कार्य पूर्ण किया है, जी के शोध निर्देशन में अपना शोध कार्य पूर्ण किया है, राजेश कुमार यादव जी के शोध निर्देशन में शोध कार्य पूर्ण किया है, चार शोध कार्य पूर्ण किया है और अनामिका है। और पीछे आ जाओ, और पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ यार, भाई थोड़ा पीछे, अरे भाई, अरे यार सब गड़बड़ कर रहे हो। शिवानी गुप्ता जिन्हें कुलपति और पदक एवं श्री जगन्नाथ सिंह पदक के अंतर्गत पूजा शर्मा को कुलपति पदक विद्युत अभियंत्रण विद्युत कण एवं संचार अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत प्रिया यांत्रिक अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत अंकित धर दुबे लाल श्रीवास्तव मेमोरियल गोल्ड मेडल के अंतर्गत रश्मि तिवारी को कुलपति स्वर्ण पदक विज्ञान में परास्नातक के अंतर्गत दिया जा रहा है। इसी के अंतर्गत मैथ्स संगणक अनुप्रयोग में परास्नातक के अंतर्गत गोल्ड मेडल प्रदान किया जा रहा है। धन्यवाद महोदय। माननीय कुलपति जी से निवेदन है कि अनुपमा चौधरी कवि शंकर राय दास मेमोरियल गोल्ड मेडल सूर्य प्रताप राठौर सवाल कुलपति स्वर्ण पदक स्वर्गीय श्री काली चरण कंदोई मेमोरियल गोल्ड मेडल कुलपति स्वर्ण पदक स्वर्गीय श्री हरि एक और मेडल है बस का मिला हुआ है। सवाल अपना मेडल आगे कर लो, थोड़ा इसी के आगे कर लो, आगे कर लो, आगे देखो भाई। पूछ लिया है उन सभी को जीवनोपयोगी पुस्तकें और फल वितरित करने के लिए।
इधर देखना बेटा, इधर देख सब सामने देखो, थोड़ा सामने, जिसमें विभिन्न स्कूलों से आए हुए आए क्षय रोग से ग्रसित जो छोटे बच्चे हैं, अनाथ आश्रम से आए हुए बच्चे जिनको इस विश्वविद्यालय ने गोद दे रखा है, उसे मेरा अनुरोध है कि मंच पर आए। माननीय कुलाधिपति महोदया अपने हाथों से उन्हें फलों की टोकरी भेंट करना चाहते हैं। मुझे प्रसन्नता हो रही है और इस शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि बनने और दीक्षांत भाषण देने के लिए निमंत्रण के लिए कुलपति माननीय प्रोफेसर जेपी पांडे को धन्यवाद देता हूं। मैं इस अवसर पर सभी डिग्री धारक प्राप्तकर्ताओं, पदक और पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूं और उन्हें भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने शिक्षा और विशेषकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी के रूप में अद्वितीय योगदान दिया के नाम पर इस विश्वविख्यात विश्वविद्यालय से शिक्षा लेने के लिए साधुवाद देता हूँ। तकनीकी विश्वविद्यालय बनने के बाद यह मेरी पहली यात्रा है, हालांकि मुझे तत्कालीन UPTU के एक घटक कॉलेज के रूप में यहाँ आने का तब अवसर मिला था मैं जब इसका कुलपति था। हाल ही में AICT में विशिष्ट प्रतिष्ठित चेयर प्रोफेसर के रूप में यह संस्थान उस सूची में भी है जो AICT ने मुझे अकादमिक उत्कृष्टता को और अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए सलाह देने के लिए दिया है और मैं उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए MM टीम के साथ निरंतर संपर्क में रहने की आशा करता हूँ। मैं इस प्रतिष्ठित संस्थान की उच्च तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थानों का एक सम्मानजनक सदस्य बनाने में उनके योगदान के निरंतर प्रयास के लिए कुलपति और उनके अकादमिक नेतृत्व टीम साथ ही साथ संकाय सदस्य और कर्मचारियों को बधाई देता हूँ। प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा प्रणाली को नालंदा जैसे विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों का विश्व स्तर पर सम्मानित किया गया था, जब दुनिया के विभिन्न हिस्सों से विद्वान ज्ञान की खोज में आते थे। हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को उस अतीत गौरव को वापस लाने की आवश्यकता है ताकि हमारे छात्र छात्राओं को जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करने के लिए विश्व स्तर पर रोजगार योग्य बनाया जा सके और हमारे उत्पादों को और सेवाओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाकर आत्मनिर्भर भारत बनाने में योगदान दिया जा सके जो शिक्षा के शुल्क के लिए सही मूल्य प्रदान करते हों। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 एक महान नीति दस्तावेज है जिसका उद्देश्य हमारी शिक्षा को समग्र बनाना है, मॉड्यूलर, लचीली, प्रौद्योगिकी सक्षम, प्राथमिक, माध्यमिक और पूर्ववर्ती शिक्षा से गुणवत्ता पर ध्यान देने के साथ एक सहज तरीके से एकीकृत करना और दिमाग, दिल और हाथों की उच्च गुणवत्ता वाले मानव संसाधनों को पोषण करने के लिए रोजगार से भी परे जाने की प्रेरणा देती है। रोजगार की योग्यता के लिए हमारे लोगों को जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए समाज की समस्याओं को हल करने के लिए ज्ञान, कौशल और सकारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। किसी भी शैक्षणिक संस्थान के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए ये रोजगार योग्यता में वृद्धि को एक महत्वपूर्ण बैरोमीटर होना चाहिए। इस प्रक्रिया में सभी हितधारकों को शामिल करना महत्वपूर्ण है, जिसमें संकाय, छात्र, प्रबंधन, नेतृत्व, सरकार, परिजन, उद्योग और समाज, सामान्य रूप से संभावित जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करने के लिए हमारे सभी छात्रों को विश्व स्तर पर रोजगार योग्य बनाने में योगदान करने के लिए आगे आना चाहिए। दीक्षांत समारोह किसी संस्थान की उपलब्धियों का जश्न मनाने का समय होता है, लेकिन यह आत्मनिरीक्षण करने का भी एक अवसर है हमारे संस्थागत लक्ष्यों और उद्देश्यों को जिस इसके अस्तित्व में
वर्षों में किस हद तक पूरा किया जा रहा है। एक पुराने और प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में जो कि अब एक विश्वविद्यालय है, आपने अच्छा कार्य किया है, लेकिन सुधार की यात्रा कभी भी ना खत्म होने की प्रक्रिया होती है। सभी क्षेत्रों में आगे सुधार के लिए उचित दिशा निर्देश विकसित करने के लिए अपने अकादमिक प्रदर्शन में संबंधित क्षेत्रों को पहचान करना, अकादमिक बुनियादी ढांचे प्रणालियों और नीतियों को आपने अपने पिछले प्रदर्शन से भी और लगातार बेहतर बनाना आपके प्रयासों का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। क्योंकि इंजीनियरों और प्रौद्योगिकविदों को किसी भी समस्या की संरचना के लिए बेहतर प्रशिक्षित किया जाता है, चाहे वे कितनी ही जटिल क्यों ना हो, लेकिन आपको अपनी समस्या की समाधान के लिए संकुचित और आदरदूरशी दृष्टिकोण रखने से बचना चाहिए। मुख्य अतिथि प्रोफेसर प्रेम दत्ता जी, मदन मोहन मानवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जयप्रकाश पांडे जी, माननीय जनप्रतिनिधिगण, विश्वविद्यालय के कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के सम्मानित सदस्यगण, आमंत्रित गणमान्य अतिथिगण, उपाधि प्राप्त करता छात्र छात्राएं और हमारे बीच में आए छोटे छोटे बच्चे, देवी और सज्जनों, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय गोरखपुर के छठे दीक्षांत समारोह में आप सभी के समक्ष उपस्थित होकर मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। भगवान गौतम बुद्ध, परम योगी गोरक्षनाथ तथा संत कबीर की पावन धरती पर देश की महान ज्ञान परंपरा का अनुसरण करने वाले इस गरिमामयी दीक्षांत समारोह में उपाधियां प्राप्त सभी विद्यार्थियों एवं पदक विजेताओं को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। दीक्षांत किसी भी विद्यार्थी की जिंदगी का एक स्पेशल डे होता है। आज तो आपके समक्ष प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से उपस्थित रहने वाले थे, लेकिन विधान मंडल की मीटिंग होने की वजह से आपके बीच में आए नहीं है। मुख्यमंत्री श्री आपके इसी क्षेत्र के जन प्रतिनिधि हैं, जिनके कुशल नेतृत्व में एक नए उत्तर प्रदेश का अभ्युदय हो रहा है। प्रदेश विकास के पथ पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। रोजगार और व्यवसाय के नए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। आपके ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसका पिछले माह ही देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है, जो उत्तर प्रदेश को बेहतर भविष्य की ओर ले जाने वाला है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के संकल्पों की सिद्धि का जीता जागता प्रमाण है और उत्तर प्रदेश की शान भी है। हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का भाग्य बदल रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आसपास नए उद्योग लगने से सभी को फायदा होगा, चाहे वह हमारे किसान भाई हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो या आप जैसी युवा पीढ़ी हो। आपके इस संस्थान को मदन मोहन मालवीय जी के नाम से जाना जाता है। भारत रत्न पंडित महामना मालवीय जी का मूल मंत्र शिक्षा के माध्यम से मानव जीवन का सर्वांगीण विकास था। उनका पूरा जीवन शिक्षा के उन्नयन एवं उसके प्रचार प्रसार को ही समर्पित था। मैं पंडित मदन मोहन का पूर्ण स्मरण करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि है, जिन्होंने भारत को एकजुट राष्ट्र के रूप में बदलने का महत्वपूर्ण कार्य किया। मैं लोक पुरुष सरदार पटेल जी को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। मित्रों, देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा। देश का स्वाधीनता आंदोलन विश्व इतिहास के महानतम जन आंदोलन में से एक था। गुलाम भारत को मुक्ति दिलाने में पूर्वांचल के अनेक लोगों का योगदान रहा है। चौरी चौरा यहाँ की ऐसी ऐतिहासिक घटना है जिससे देश के वीर क्रांतिकारियों और स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के शौर्य एवं बलिदान का इतिहास जुड़ा है। हमारे देश ने सदियों तक
मातृभूमि, संस्कृति और आजादी के लिए संघर्ष किया है। अमृत महोत्सव इन सभी संघर्ष के पुरोधाओं को स्मरण करने और उनसे प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर है। मुझे बताया गया है कि आज यहाँ बीटेक के 735, एमटेक के 198, एमसीए के 50, एमबीए के 66, एमसीए के 40 तथा पीएचडी के 26 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई है, जिनमें से एक चांसलर मेडल, 16 वाइस चांसलर मेडल एवं 18 प्रायोजित मेडल विजेता है। मैं आप सभी को पुनः बधाई देते हुए आपसे कहना चाहूंगी कि अभी आपकी परीक्षा समाप्त नहीं हुई है, आपके आगामी जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आएगी जिनका आपको डटकर सामना करना है और उस पर विजय पाकर वैसे ही सफल होना होगा जैसे कि आज हो रहे हैं। इसके साथ ही मैं यह भी कहूंगी कि उपाधि पाने वाले सभी विद्यार्थी आज यह प्रतिज्ञा करें कि अपने नए जीवन के आरंभ के साथ ही समाज के उन व्यक्तियों का भी ध्यान रखेंगे जिनके जीवन में विकास की किरण आज तक नहीं पहुंची है। साथियों, हमारे यह कहा गया है, ज्ञानम विज्ञान सहितम यत् ज्ञात्वा मोक्ष से अनुशासित, यानी विज्ञान रहित ज्ञान ही सभी समस्याओं और दुखों से मुक्ति का साधन है। हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हमारे प्रौद्योगिकी संस्थान इसे आगे बढ़ा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके लिए अवसरों एवं करियर चॉइस की भरमार है। आज निजी क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं, साथ ही स्वयं को रोजगार प्रदाता के रूप में भी हम अपने को विकसित कर सकते हैं। उद्यमिता और स्टार्टअप के मौके भी हैं। हमारे स्नातकों की विश्व भर में मांग है। हमने स्वयं को ज्ञान और कौशल के साथ दुनिया की मदद करने वाले देश के रूप में स्थापित किया है। इसलिए आप जो भी करते हैं आपको पूरे दिल से और ईमानदारी से करना चाहिए। सफलता के लिए लगन बुद्धि से भी अधिक महत्वपूर्ण है। यह जरूरी है कि आप अपने लिए सही अवसर खोजें और ऐसा कैरियर चुने जहां आप फिट हो, जो काम आप करें आपकी पसंद का हो, जो भी काम आप स्वीकारें इसे ईमानदारी एवं निष्ठा से करें। जीवन में एक और महत्वपूर्ण सबक है, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना। आपको ध्यान होना चाहिए कि दूसरे कैसा महसूस करते हैं। जब आप सच्ची सहानुभूति करते हैं तो स्वयं का सामने वाले के समक्ष रख कर देखें और वास्तविक अनुभूति का अनुभव करें। सामने वाले को सुनिए और समझिए। वास्तविक सहानुभूति के साथ सुनना और कोशिश करना आपको बहुत आगे ले जाएगा। हमें नम्र होने की आवश्यकता है। आत्मविश्वास के साथ विनम्रता एक महान गुण है जो हमें सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है। विनय को सभी पसंद करते हैं और अहंकारी को कोई पसंद नहीं करता। आपका आत्मविश्वास आपके कार्यों में और आपकी बातचीत में दिखना चाहिए। नए जीवन में प्रवेश करने वाले युवाओं से मैं कहना चाहूंगी कि दुनिया आपका इंतजार कर रही है। आप भाग्यशाली हैं जो कि ऐसे समय में उपाधि प्राप्त कर रहे हैं जब देश के एक बदलाव के मोड़ पर है। 2-3 दशक पहले जब आप पैदा हुए थे तब से आज बहुत बदलाव आया है। मैं वह सब याद करती हूँ जब आपकी उम्र की थी। उस समय अर्थव्यवस्था की विकास दर बहुत धीमी थी। एक स्कूटर को खरीदने के लिए कई साल का इंतजार करना पड़ता था। लंबी प्रतीक्षा के बाद भाग्यशाली लोगों को एक फोन कनेक्शन मिलता था। ये फोन कनेक्शन आया इस वजह से मुझे याद आया कि मैं 94 से 98 में राज्यसभा के सदस्य थे। उसी समय सभी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को हर 4 महीने में एक बुकलेट मिलती थी और एक बुकलेट में 25 गैस का कनेक्शन रहता था और 25 टेलीफोन के कनेक्शन रहते थे। इतनी लंबी लाइनें लगती थी
कि आप 2 साल तक 3 साल तक भी आपको टेलीफोन का कनेक्शन नहीं मिलता था, गैस का कनेक्शन भी नहीं मिलता था। तो हमारे यहाँ एक गैस की स्लीप लेने के लिए और कनेक्शन टेलीफोन का लेने के लाइन लगती थी, और खास करके बीजेपी के कार्यकर्ता और समाज के आम आदमी बुजुर्ग, ये लोग इतने प्रयास करते थे हमारे पास आकर हमें दे दो, ये स्थिति थी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तब से लाइनें पूरी हो गई, अब कोई लाइन नहीं लगती है। टेलीफोन चाहिए लीजिए, अब टेलीफोन की जरूरत नहीं, मोबाइल आ गए। रोजगार के अवसर कम थे, पश्चिम में जो आर्थिक उछाल, औद्योगिक विकास और तकनीकी प्रगति हो रही थी वह भारतीय समाज से दूर से ही गुजर रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आर्थिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर समाज में सुरक्षा पर बदलाव आया। धन्यवाद करने की कृपा करें। मेरा नाम प्रियंश पाठी है, मैं मदन मोहन मालवीय से एमटेक डिजिटल सिस्टम की पढ़ाई संपन्न किया है। मेरा CGPA 9.69 है और मैं एमटेक ओवरऑल टॉपर की भी उपाधि पाया हूँ। राज्यपाल के द्वारा सम्मानित किया गया जी, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। मैंने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है और ख़ास तौर पर गुरुजनों में विशेष श्री आर के चौहान को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जिनके गाइडेंस में मैंने ये डिग्री कंप्लीट की है। अमित यादव, फर्स्ट मेडल मिला है। सर हम BTEC की पढ़ाई कर रहे थे यहाँ पे और इसके लिए हमको फर्स्ट मेडल मिला है, कुलपति अवार्ड मिला है गवर्नमेंट से। आज ऐसा लग रहा है जैसे हमारी कड़ी मेहनत का फल मिल गया है, इतना दिन तक कड़ी मेहनत किए हैं जो उसका आज फल मिल गया। आगे किस चीज़ के लिए पढ़ाई करेंगे? आगे हमारा सोच है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वालिफाई करना है।